हेलो माय डियर स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वैल्यू एजुकेशन चैप्टर नंबर फोर्थ बीइंग पंचुअल फ्रॉम पेज नंबर फोर्टीन टू सिक्सटीन बीइंग पंचुअल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचुअल पंचुअल का मतलब क्या होता है पंचुअल मतलब समय निष्ठान मतलब समय से चलने वाला ठीक है सो बीइंग पंक्चुअल हमेशा हमें समय से चलना चाहिए समय के साथ चलना चाहिए नाउ वी विल विल स्टार्ट द रीडिंग गीता एंड मीता वर बेस्ट फ्रेंड्स गीता और मीता दोनों कौन थे बेस्ट फ्रेंड्स थे सच्चे मित्र गीता वॉज़ ऑलवेज़ पंचुअल गीता जो थी वो हमेशा पंचुअल होती थी मतलब वो टाइम से चलती थी जो भी काम करना है वो टाइम से कंप्लीट कर लेती थी ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ जो मीता थी उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वॉज ऑलवेज लेट फॉर हर क्लासेस और वो हमेशा अपनी क्लासेस के लिए क्लास के लिए हमेशा लेट आती थी गीता जो थी वो पंचुअल थी वो टाइम से पहले आ जाती थी टाइम के साथ आ जाती थी बल्कि जो मीता थी वो हमेशा टाइम से लेट आती थी जो भी उसका स्कूल का टाइम था या क्लास का टाइम था उससे लेट आती थी सुन इट वॉज टाइम फॉर द एग्ज़ामिनेशन जल्दी ही एग्ज़ामिनेशन का मतलब एग्ज़ाम्स का आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका टाइम आने वाला था गीता रीच द एग्ज़ामिनेशन हॉल राइट ऑन टाइम गीता जो थी वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जहाँ आपका एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम मतलब जो आपके पेपर होते हैं उनको एग्ज़ाम होने वाले थे जल्दी और जो गीता थी वो अपना एग्जामिनेशन हॉल होता है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है जिस जगह पे होता है ओके okay? जैसे अभी आप छोटे हैं जब आप बड़े हो जाएंगे आपको रूम्स अलॉट हो जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम रोल नंबर वाइज आपको जैसे आपका फाइव रोल नंबर है तो आपको रूम नंबर टू में बैठना है जिसका ट्वेंटी रोल नंबर है वो रूम नंबर थ्री में बैठेगा इस टाइप से आपको रूम अलॉट हो जाएंगे जिस रूम में आपका एग्ज़ाम होता है उनको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल एग्जामिनेशन रूम एग्जामिनेशन हॉल ठीक है गीता जो थी वो अपने टाइम से पहुंची थी एग्जामिनेशन हॉल में क्योंकि वो हमेशा टाइम से पंचुअल रहती थी एंड वॉज एबल टू स्टार्ट हर एग्ज़ाम ऑन टाइम और वो एबल थी क्योंकि वो टाइम से पहुंची थी इसलिए वो अपना एग्ज़ाम जो था पेपर जो था वो टाइम से करने में टाइम से स्टार्ट करने के लिए रेडी थी तैयार थी बट मीटा वॉज लेट फॉर हर एग्ज़ाम बल्कि जो मीटा थी वो क्या हुई वो एज़ यूजल जैसे मैंने आपको बताया वो हमेशा क्लास में लेट आती थी तो वो एग्ज़ाम हॉल में भी लेट पहुंची एंड शी स्टार्ट हर एग्ज़ाम फिफ्टीन मिनट्स लेट वो क्लास में भी लेट पहुंची और एग्जामिनेशन हॉल में वो लेट पहुंची उस वजह से उसका जो एग्ज़ाम था वो पंद्रह मिनट लेट मतलब फिफ्टीन मिनट बाद उसने स्टार्ट किया आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन जब एग्ज़ाम हो गया गीता हर्ड मीता क्राइम गीता ने गीता को आवाज़ आई किसकी मीता रो रही थी शी वॉज क्राइंग गीता वेंट टू तो मीता एंड आज वाई आर यू क्राइम गीता मीता के पास गई और उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो मीता रिप्लाइड गीता आई कुड नॉट कंप्लीट माय पेपर एज़ आई वाज लेट मीता ने बोला गीता मैं अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मैं क्लास में लेट थी गीता स्माइल्ड एंड सेड गीता हंसते हुए बोली मीता नाउ डू यू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ पंचुअलिटी अब तुम्हें पता लगा पंचुअलिटी की, की क्या वैल्यू होती है पंचुअलिटी मतलब समय की पाबंदी की समय की पाबंदी क्या इम्पोर्टेंट रखती है समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कितना ज़रूरी है उसकी तुम्हें इंपॉर्टेंस पता लगी यस गीता आई डू यस गीता मुझे अब पता लग गया कि टाइम कितना ज़रूरी है और समय कितना ज़रूरी है कि उसको टाइम से हर चीज़ करना आई प्रोमिस टू बी पंचुअल इन फ्यूचर मीता ने बोला गीता से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं हमेशा पंचुअल आऊँगी मतलब टाइम से आऊँगी रिप्लाइड मीता मीता ने बोला कि अब मैं हमेशा टाइम से आऊँगी मैं हमेशा क्लास में टाइम से आऊँगी ताकि मेरा कोई भी एग्जाम ना छूटे और कोई भी क्लास मिस ना हो एज वी ऑल अंडरस्टुड हाउ द पंचुअलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे लिए पंचुअल होना कितना ज़रूरी है अगर हम लेट होते हर चीज़ लेट करेंगे तो हर चीज़ लेट होती जाएगी और वो टाइम निकल जाएगा इसलिए हमें हमेशा स्कूल टाइम से आना चाहिए लंच अपना टाइम से करना चाहिए इवन अपनी स्टडीज़ टाइम से करनी चाहिए क्लास में जब होता है तो क्लास में टाइम से आना चाहिए राइट हमें हर चीज़ टाइम से करनी चाहिए ओके

जब सूरज ढल जाता है तो अब हमें पता है कि ये हमारे टाइम हो गया किसका रेस्ट का आराम करने का इट ऑलवेज पंचुअल एंड नेवर लेट आपने जैसे देखा है सूरज जो होता है हमेशा टाइम से राइज होता है टाइम से सेट होता है मतलब सनराइज़ भी टाइम से होता है सूरज हमेशा टाइम से आता है और टाइम से ही सूर्यास्त होता है तो ऐसे ही दैट्स वाई इट नेवर कंप्लेन्स कभी लेट नहीं होता ऐसे भी हमें भी कभी लेट नहीं होना चाहिए हमें हर चीज़ टाइम से करनी चाहिए टाइम इज प्रीशियस सो बी पंचुअल टाइम बहुत प्रीशियस है बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हमें हमेशा पंचुअल होना चाहिए टाइम के साथ चलना चाहिए नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज कंप्लीट द सेंटेंस फर्स्ट वन इज गीता वॉज ऑलवेज डैश गीता हमेशा क्या होती थी क्लास में और वैसे भी वो गीता हमेशा पंचअल होती थी सो यू विल राइट वी विल राइट हेयर पंचुल पी यू एन सी टी यू एल पंचल नंबर टू इज मीता वॉज ऑलवेज डैश मीता वॉज ऑलवेज लेट मीता जो थी हमेशा लेट होती थी सो एट ई लेट थर्ड वन इज आफ्टर द एग्जाम मीता वॉज डैश एग्जाम के बाद में मीता वॉज डैश मीता क्या हो गई थी मीता वॉज क्राइंग शी वॉज क्राइंग वो रोने लग गई थी तो एग्जाम के बाद में मीता वॉज क्राइंग नाउ द फोर्थ वन इज मीता कुड नॉट कम्प्लीट हर डैश मीता क्या नहीं कर पाई थी वो क्या चीज अपनी कंप्लीट नहीं कर पाई थी आफ्टर द एग्जाम जो एग्जाम हो रहा था मीता क्या कंप्लीट नहीं कर पाई थी मीता क्यों रो रही थी क्योंकि वो अपना पेपर जो था वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी सो so, मीता कुड नॉट कंप्लीट हर पेपर पी ए पी ई आर फाइन मैच द फॉलोइंग नाउ वी विल डू हेयर मैचिंग नंबर वन इज़ राम इज़ लेट फॉर स्कूल राम जो था वो स्कूल के लिए लेट हुआ था राम स्कूल के लिए लेट हो गया था सो यू कैन सी हेयर द टाइम राम जो है वो लेट हो गया था सो हेयर यू कैन सी दिस पिक्चर इज़ बिलोंग फॉर दिस ये लेट हो गया था श्याम इज़ ऑन टाइम फॉर स्कूल श्याम जो था वो टाइम पे स्कूल आया था एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज़ रोहन इज़ अर्ली फॉर स्कूल और रोहन स्कूल के लिए जल्दी आ गया था ओके आई होप यू अंडरस्टूड डू प्रैक्टिस एट होम थैंक यू हैव नाइस डे